दरभंगा के ऐतिहासिक किला के अंदर स्थित प्रसिद्ध गंगा रेसिडेंसी को कब्जा मुक्त करवाकर नए मालिक को सौंपने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल सदस्यों की मौजूदगी में पहुंची। आपको बता दें कि वर्ष 2005 में बाल कृष्ण झा ने बेला के सेंट्रल बैंक से करीब 1.5 करोड़ का लोन लिया था, जिसके बाद नहीं चुकाने के क्रम में 2013 में बेगूसराय निवासी रामानुज कुमार सिंह ने वर्ष 2013 में करीब 4 करोड़ से अधिक राशि देकर इस होटल को ले लिया था, लेकिन 10 साल में कभी उन्हें कब्जा नहीं मिल सका। अंत में हाईकोर्ट के निर्देश के बाद आज जिलाधिकारी के आदेश पर सदर सीओ ने दल बल के साथ पहुंचकर रामानुज कुमार सिंह को कब्जा दिलवाया। कार्रवाई हो रही है, बैंक अपना पोजीशन ले रहा है, उसमें एज ए मजिस्ट्रेट हमारी प्रतिनियुक्ति हुई है। मैं एज ए मजिस्ट्रेट प्रतिनियुक्ति गंगा रेजिडेंसी होटल रामबाग दरभंगा। मसला मुझे नहीं पता है, मैं एज ए मजिस्ट्रेट बैंक पोजीशन ले रहा है, हमको वहीं आदेश है, मैं वहीं आदेश करा, बाकी बैंक वाले आपको बताएंगे। नहीं, कोई प्रोटेस्ट नहीं। होटल को हम 2013 में परचेज किए थे, बैंक के द्वारा ऑक्शन किया गया था, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। उसमें हम परचेजर थे, हमको मिला सेल लेटर भी मिल गया था, लेकिन चूंकि मामला न्यायालय में उच्च न्यायालय में था तो न्यायालय से इनको कोई रिलीफ मिला नहीं, तो कलेक्टर माननीय जिलाधिकारी महोदय आदेश किए जो हम बैंक को हैंड ओवर करके बैंक हमको हैंड ओवर करेगा। नहीं नहीं, वो तो सेल लेटर में हमारा लिखा हुआ, सेल लेटर देख लीजिए, सेल लेटर में देखिए लिखा हुआ है, बिल्डिंग के साथ पूरा स्ट्रक्चर भी देखिए पढ़िए लिखा हुआ है, बिल्डिंग के साथ जमीन जो लेगा बैंक तो पर बेचेगा तो बिल्डिंग भी नहीं बेचेगा, उसका इनके साथ में बैंक के साथ में एग्रीमेंट था, तो वही ऑक्शन में हम लिए थे। 10 साल 2013 से 4,58,00,000 21,000। नहीं नहीं, मकान भी इनका गिरवी रखा हुआ है, मकान भी हम तो बैंक से लिए थे, ऑक्शन नोटिस जो निकला था उसमें पूरा होटल का निकला था, बिल्डिंग सब सब बैंक के पास था। 11 सितंबर 2013 पूरा परेशानी, 10 साल से हमारा पैसा ब्लॉक, बताइए। उस जो हाईकोर्ट का आदेश था तो कलेक्टर साहब आदेश किए थे पोजीशन के लिए, पोजीशन बैंक ले रहा है, सीओ साहब मजिस्ट्रेट नियुक्त हुए हैं, पोजीशन लेके बैंक को देंगे, बैंक हमको देगा। विरोध क्या कर रहे हैं, कल भी हाईकोर्ट में तारीख था, उनको कोई इंट्री रिलीफ नहीं मिला, उनको रामानुज कुमार सिंह बेगूसराय। कुमार सिन्हा है, ऑथराइज ऑफिसर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के हूँ, अब LDM के पोस्ट पे हूँ, और यहाँ जो है इस होटल के लिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा माधवी होटल जो है गंगा होटल, उसमें सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बेला ब्रांच के द्वारा 1,35,00,000 का लोन 2005 में इनको मुहैया कराया गया था, जिसमें कंस्ट्रक्शन का काम भी इनको होटल बनाने के लिए दिया गया था। तो 2005 में लोन देने के उपरांत इनको टर्म लोन दिया गया था, 2-3 साल तक इन्होंने किस्त वगैरह भरते रहे, और 2-3 साल के बाद 2008 के बाद इन्होंने किस्त देना बंद कर दिया। तो जब किस्त देना बंद हो जाता है तो 2009 में इनका अकाउंट ख़राब हो गया, अकाउंट ख़राब होने के बाद सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा इनको नोटिस दिया गया कि जो भी ओवरड्यू अमाउंट वगैरह है वो अपना जो भी अतिदेय किस्त वगैरह है उसको जमा कीजिए, और जमा करने के उपरांत जो भी है आपका खाता हमेशा रेगुलर रखिए। तो जो भी इन्होंने नोटिस आउट देने के उपरांत भी जो भी है पूरा क्लियर ड्यू क्लियर नहीं किया, तो 2009 में अकाउंट ख़राब होने के बाद इनको सरफेसी एक्ट होता है बैंक का, सरफेसी एक्ट के अंतर्गत 13-2 का नोटिस इनको दिया गया, जिसमें 60 दिन का इनको टाइम दिया गया कि 60 दिन के अंदर आप अगर पैसा दे देते हैं तो आपका अकाउंट सही कर दिया जाएगा, फिर रेगुलर आप अपना इंस्टॉलमेंट जमा करते रहिए। लेकिन 60 दिन के अंदर भी इन्होंने पैसा जमा नहीं किया, कुछ दिन इंतजार करने के बाद बैंक 13-4 सरफेसी एक्ट का नोटिस दे कर सांकेतिक कब्जा ले लिया कि ये प्रॉपर्टी जो भी है सांकेतिक कब्जा हमारा हो गया सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का, उसके बाद पेपर पब्लिकेशन भी कर दिया गया कि इसका कोई खरीद बिक्री ना करें। उसके उपरांत भी हम लोग ऑक्शन किए, ऑक्शन में एक आध दो परचेजर नहीं मिले, फिर अंततः करते करते 2013 में ऑक्शन में एक रामानुज कुमार सिंह है जो इनको परचेज कर लिए, तो बैंक को वो पैसा दे दिए, बैंक ने अपना लोन अकाउंट बंद कर लिया, जो रेस्ट अमाउंट बचा वो बालकृष्ण झा के अकाउंट में जमा कर दिया। उसके बाद ये ज़बरदस्ती कब्जा किए हुए थे होटल पे कि आपने बेच तो लिया है ले भी लिया है लेकिन हम खाली नहीं करेंगे, तो इसमें कुछ कानूनी प्रक्रिया में कुछ टाइम लगा,
फिर डीएम साहब को आदेश आया, डीएम साहब ने आदेश किया, मजिस्ट्रेट नियुक्त किया, सीओ सदर मजिस्ट्रेट हैं आज इनके, मजिस्ट्रेट के देखरेख में नेतृत्व में फिर फोर्स दिया गया, फोर्स के लेकर के आज हम लोग इसको कब्जा कर लिए। बाल कृष्णा को बोल दिया कि जो भी आपका जो सामान है उसको हटा लें, अदरवाइज उसको हम लोग हटा देंगे और फिर कब्जा ले लेंगे। एक कब्जा की प्रक्रिया चल रहा है, सामान में सब कुछ करीब करीब वो ले ही चुके हैं, बाकी कुछ सामान है नहीं, दो चार पलंग है रूम में, तो उस पलंग को हम लोग एक जगह कर देंगे। नहीं, होटल माधवी ही है और होटल गंगा दोनों मतलब साथ में है, साथ में ही मतलब इसको लोन दिया गया था होटल बनाने के लिए, होटल चलाने के लिए। मेन इनका माधवी प्राइवेट लिमिटेड के नाम से इनका कंपनी है जिसके अंदर गंगा रेजिडेंसी भी है। मॉर्गेज तो जमीन का ही होता है ना, जहाँ कहीं कोई हाउसिंग लोन लेता है या कोई होटल बनाने के लिए लेता है तो पहले स्टार्टिंग में तो जमीन का ही बंधक होता है, लेकिन बैंक का जो रहता है उस पर जो भी प्लांट मशीनरी लगता है, जो टर्म लोन देते हैं या जो मकान बनाते हैं, वो भी बैंक के अंदर में मॉर्गेज हो जाता है ऑटोमेटिक। नहीं, इनको तो पहले भी नोटिस दिया गया, इन्होंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, अभी भी आज के डेट में भी इनको काफ़ी दिन पहले मतलब जानकारी दे दिया गया कि आज हम लोग कब्जा लेंगे, उसके बाद भी इन्होंने ना बैंक को कोई लेटर दिया ना सीओ को लेटर दिया। आज हम लोग नहीं प्रोसेस नहीं किए, वो पाँच मिनट में हम लोग बोले कि इन्वेंट्री वगैरह हटा लीजिए, तो वो उठ के चले गए कि नहीं मैं जा रहा हूँ, ये है वो है करके अपना कब्जा लिया बस बालकृष्ण झा से। हाँ, फिर वो उठ के चले गए तो उनको हम लोग नहीं रोक पाए, हम लोग कब्जा ले लेते हैं, क्लियर हो जाए। अजय कुमार सिन्हा, ऑथराइज ऑफिसर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया।